हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं विद्युत लोको सेट गाजियाबाद में सहायक मंडल विद्युत अभियंता के रूप में कार्यरत हूं और मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि आप सभी सदस्यों को थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बेसिक कंट्रोल सर्किट के बारे में जानकारी दी जा सके, बेसिक पावर सर्किट के बारे में जानकारी दी जा सके। किसी भी सर्किट को समझने से पहले हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि सर्किट को पढ़ा कैसे जाता है। हमारे विंडो स्क्रीन पे थ्री फेज लोकोमोटिव का पावर सर्किट खुला है और इस सर्किट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर सर्किट को पढ़ा कैसे जाता है। सबसे पहले मैं इसे जूम कर लूं और अगर इस सर्किट को हम ध्यान से देखें, आप मेरे कर्सर को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम सर्किट को ध्यान से देखें तो इसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में डिवाइड किया गया है। वाई कोऑर्डिनेट में इसे पर्टिकुलर ब्लॉक सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी एंड सो ऑन, और यहीं पर लिखा है 01A। ये 01A इसका पेज नंबर है। क्योंकि ये थ्री फेज इलेक्ट्रो लोकोमोटिव का सर्किट है तो इसमें कई पेजेस हैं और इस पेज का नोमेनक्लेचर 01A किया गया है। इसके अलावा एक्स एक्सिस को कई ब्लॉक सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जैसे 01, 02, 03, 04, 05 एंड सो ऑन। इसी 01 के ऊपर लिखा है पेंटोग्राफ सर्ज अरेस्टर। इसका तात्पर्य यह है कि 01 से अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड्स आएंगे तो हमें पेंटोग्राफ और सर्ज अरेस्टर के सर्किट के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर हम 03 से वर्टिकली डाउनवर्ड्स आएंगे तो हमें प्राइमरी वोल्टेज डिटेक्शन यूनिट के सर्किट के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर सर्किट में कुछ नंबरिंग किया गया है, जैसे 1/1, 1/2, 2/1 और 2/2 एंड सो ऑन। इसको समझने के लिए हमें सर्किट के राइट साइड में आना होगा और राइट साइड में हम देख सकते हैं कि 1 का मतलब है पेंटोग्राफ, 2 का मतलब है पेंटोग्राफ डिस्कनेक्टिंग प्लस अर्थिंग डिवाइसेस। इस पूरे सर्किट में जहां भी कुछ नंबरिंग किए हुए हैं उसका नोमेनक्लेचर हमें राइट साइड में मिल जाएगा। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है 801A और यहाँ पे लिखा है 804A। ये ट्रैक्शन 1 से का आउटपुट है 801A और 804A। अगर हम इस 801A वायर है इसको फॉलो करना चाहें, जो कि ट्रबल शूटिंग के समय काफी काम आता है, अगर हम 801A वायर को फॉलो करना चाहें तो इसके सामने लिखा है 01B01। इसका मतलब यह है कि 801A वायर 01B पेज के 01 ब्लॉक सेक्शन में मिलेगा। हम लोग अब 01B पेज पे जाएंगे। ये 01B पेज है, 01B पेज जहां पे लिखा है और इसका 01 जो है ये ब्लॉक सेक्शन है और इसी ब्लॉक सेक्शन में 801A वायर नंबर है। अगर हम यहां पे देखना चाहें तो 801A वायर जो है वो 01A पेज के 50 नंबर ब्लॉक से आया है। इसका मतलब अगर हम इसको फॉलो बैक करना चाहें तो हमें 01A पेज नंबर पे जाना होगा। ये 01A पेज नंबर है, 01A पेज नंबर पे, ये 01A पेज नंबर है, 01A पेज नंबर पे ब्लॉक सेक्शन 50 पे 801A वायर है। यहां पर सर्किट को देखने का एक जो बेसिक नजरिया है वो मैंने एक्सप्लेन किया है।